मेरे दादा खेलते थे, फिर वालिद खेलते थे, अब मैं खेलता हूँ। कराची के इलाके शादमान के फ्लैट्स में पिछले 35 सालों से इस रबर की बड़ी बॉल से जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाता है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल बॉल है। वैसे आप नॉर्मली बॉल जो है इस तरह से ग्रिप कर रहे होते हैं, जो टेप बॉल होता है, इस बॉल को आपको इस तरह से ग्रिप करना पड़ता है। इससे कोई डैमेज नहीं होता। यहाँ बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, विंडोज भी हैं, शीशे भी लगे हुए हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। किसी किस्म का हमने आज तक कोई डैमेज देखा नहीं है इस बॉल से। ये यूनिक टूर्नामेंट मेरा ख्याल से शादमान होम्स में ही होता इस बॉल से, हमने कहीं और क्रिकेट नहीं देखी। इससे क्रिकेट खराब ही होती है लेकिन बॉलर के लिए बड़ी बेहतर होती है ये, क्योंकि इससे लाइन और लेंथ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बैट्समैन की टाइमिंग बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस रबर की इतनी बड़ी बॉल से क्रिकेट खेली जा सकती है? बिल्कुल ऐसा है। कराची के इलाके शादमान के फ्लैट्स में पिछले 35 सालों से इस रबर की बड़ी बॉल से जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाता है। हालांकि इस रबर की बॉल से तो मुश्किल होता है क्रिकेट खेलना, लेकिन यहाँ के नौजवान पिछले 35 सालों से जो है वो इनके पहले दादा, फिर वालिद, और अब ये जो है वो यहाँ पर इस बॉल से क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हैं। पूछते हैं कि किस तरह से खेलते हैं, क्या तफसीलात हैं इस टूर्नामेंट की। हमारे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं। जी बताइएगा कि किस तरह से खेलते हैं, और इस बॉल से तो काफ़ी मुश्किल होता हो। इस बॉल से खेलना जो है ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल बॉल है ये। अगर मैं बताऊं इसको, वैसे आप नॉर्मली बॉल जो है इस तरह से ग्रिप कर रहे होते हैं, जो टेप बॉल होता है, इस बॉल को आपको इस तरह से ग्रिप करना पड़ता है। ये कभी इसका बाउंस कहीं भी हो जाता है, टर्न कहीं भी हो सकती है। कभी किसी दिन बैट्समैन का दिन होता है, किसी दिन बॉलर का दिन होता है। बाकी कुछ डिटेल्स आपको काशिफ भाई बताते हैं, ये हमारे सीनियर हैं, लाइक ही इज बीन प्लेइंग फॉर लास्ट अराउंड 20-22 ईयर्स। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं काशिफ भाई कि ये आइडिया, वैसे क्योंकि ये तो 35 साल पुराना है, तो इस बॉल से क्यों क्रिकेट खेलने का आइडिया? इस बॉल से खेलने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं, और इससे कोई डैमेज नहीं होता। यहाँ बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, विंडोज भी हैं, शीशे भी लगे हुए हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। किसी किस्म का हमने आज तक कोई डैमेज देखा नहीं है इस बॉल से। ये बेसिक रीजन है और कुछ नहीं। अच्छा ये बताएं, फ्लैट में देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर गाड़ियाँ हटा के आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कुछ फड्डे या कुछ ऐसी बात होता नहीं? आज तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ यूनियन बड़ी कोऑपरेट करती है और हमें फैसिलिटेट करती है यहाँ पे खेलने के लिए, और आज तक इस तरह का कोई वाकया आया नहीं। कराची में क्या सिर्फ आप ही लोग हैं जो फ्लैट के अंदर जो टूर्नामेंट कराते हैं? मैंने कहीं और तो नहीं देखा कि फ्लैट के अंदर टूर्नामेंट होता। ये यूनिक टूर्नामेंट मेरा ख्याल से शादमान होम्स में ही होता इस बॉल से, हमने कहीं और क्रिकेट नहीं देखी। और हमने इसका नाम जो है वो ओल्डेस्ट गोल्ड टूर्नामेंट रखा हुआ है, बिकॉज आपने जैसे बताया कि कोई 30-35 ईयर से ही होता आ रहा है, तो दिस इज ओल्डेस्ट गोल्ड टूर्नामेंट। तो आप लोगों के वालिद भी खेलते थे? बिल्कुल, मेरे दादा खेलते थे, फिर वालिद खेलते थे, अब मैं खेलता हूँ। अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग क्या होता है? अभी फाइनल मैच हो रहा था तो बड़ा मतलब 2 ओवर में 60 रन चाहिए थे, अचानक से जो है वो टीम बहुत क्लोज आ गई, तो ये कैसे टर्न हो जाए? एग्जैक्टली एज मोहसिन मेंशन कि ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल क्रिकेट होती है। इस बॉल को कंट्रोल करना इटसेल्फ बड़ा मुश्किल काम है। इससे वाइड भी बड़ी मुश्किल से जो है ना कंट्रोल होती है, और लाइन और लेंथ का बड़ा कमाल होता है इस बॉल से। अच्छा कई मेहमान आते होंगे तो ये आप लोग टूर्नामेंट सिर्फ रमजान में कराते हैं, तो हैरान भी होते होंगे, मजाक भी उड़ाते होंगे, कुछ दिलचस्प बातें भी करते होंगे। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि इतने बड़े बड़े तुम लोग लड़के हो, टेप बॉल से नहीं खेल रहे, इस बॉल से खेल रहे हो। कुछ आप जैसे लोग होते हैं कि इस यूनिक चीज को कवर करने आ जाते हैं। और ये टूर्नामेंट हम रमजान में जो है वो 10वें रोजे के बाद स्टार्ट करते हैं, और 15वें या 16वें रोजे 5-6 दिन के अंदर ये खत्म कर देते हैं। अच्छा तो क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट में सिर्फ फ्लैट्स के ही सारे नौजवान? जी सिर्फ रिहायशी ही होते हैं, यहाँ के बाहर का कोई आउटसाइडर जो है ना वो प्ले नहीं कर रहा होता। उसकी रीजन ये है कि ये जो आपको हम आहंगी नजर आ रही है, वो जब सात लोग रहते हैं तो उसी वजह से जो है ना वो ये टूर्नामेंट जो है ना वो इख्तिताम तक जाता है। आखिरी सवाल, इससे क्रिकेट बेहतर होती है या फिर इससे क्रिकेट खराब ही होती है? लेकिन बॉलर के लिए बड़ी बेहतर होती है ये, क्योंकि इससे लाइन और लेंथ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बैट्समैन की टाइमिंग बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक बॉल के साथ यहाँ के रिहायशी जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, और हर रमजान में जो है वो इस बॉल से गुज़िश्ता 35 सालों से जो है वो टूर्नामेंट खेला जा रहा है, और 3-4-5 दिन के इस टूर्नामेंट के बाद ये लोग जो है वो अपने रूटीन की ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये मेरे ख्याल से कराची में पहला ऐसा वाइड टूर्नामेंट है जो फ्लैट के अंदर इस रबर की गेंद से होता है। मज़ीद आपको अपडेट रखेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।